ये रिश्ता क्या कहलाता है। फारू क्या हुआ, चुपचाप क्यों खड़ी है, क्या बात है? कुछ नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही। ऐसे ही तो नहीं हो सकता, घर में शादी का माहौल है तो गुमसुम खड़ी है, नॉट गुड। पता क्या हुआ? सच में भैया कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट ठीक क्या, तो मैं बहुत खुश हूँ। बस वो क्या है ना, मैं अक्षु की तरह कूद कूद के अपनी खुशी एक्सप्रेस नहीं करती। और इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे शादी से कोई इशू है या फिर मैं किसी का मजाक खराब करना चाहती हूँ। अच्छा भैया, आपको याद है वो मेरे शादी मतलब वो टाइम पे अक्षु मेरा शादी का कार्ड लेकर आई थी, तो मैं भी अक्षु के शादी का कार्ड लेकर आऊँ, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, उल्टा ही तो खुशी की बात है। अक्षु तेरी बहन है, ये सब करना तेरा हक बनता है, तो तू आराम से कर। अब देखना भैया, मैं अक्षु से भी ज्यादा उछल कूद करूंगी, हाँ धमाल मचाऊंगी ना कि सब लोग हैरान हो जाएंगे। गायरब आया बड़े पापा। माजी माजी बहुत लेट हो गया, हमें निकलना चाहिए वरना हम टाइम पे पहुंचेंगे नहीं। चलो चलो। हाँ हाँ अक्षु जा जा जल्दी जा, रेडी होके आ जा। आरु जल्दी आ। हम बाकी का पैकिंग करके आ रहे हैं। चलिए माँ जी जल्दी से। अभी अभी कहाँ है? हॉस्पिटल है। सुबह सुबह हॉस्पिटल? अब माँ डॉक्टर्स के लिए क्या सुबह और क्या शाम, यहाँ पे उनकी शादी के फंक्शन शुरू हो रहे हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल में सर्जरीज लाइंड अप है। और आप टेंशन मत लो, पार्थ भैया ने उनके कपड़े भिजवा दिए हैं, वो वहां से सीधा फंक्शन में आएंगे। अक्षु कहाँ रह गई ये लड़की? अक्षु भैया वो आ रही होगी, ऐसा करते हैं हम चलते हैं, अब लेट हो रहा है, बाकी के साथ गाड़ी में आ जाएगी। चलिए। अच्छा ठीक है चल। अक्षु कहाँ रह गई? माँ जी अक्षु कायरव के साथ चली गई होगी, हमें भी अब चलना चाहिए वरना लेट हो जाएगा। चलिए जल्दी से। भैया सब कहाँ गए? मैडम जी अभी अभी सब लोग बाहर निकल के गए। चले गए? जी। सब चले गए? हाँ मैडम। दुल्हन को यहाँ छोड़कर खुद चले गए? नहीं खाम खा परेशान हो जाएंगे, मैं काम करती हूँ दूसरी गाड़ी लेकर जाती हूँ। और ऐसे दुल्हन के अवतार में गाड़ी चलाऊंगी तो और भी मजा आएगा, क्रेजी हो जाएगा सारा कुछ। मैडम जरा जल्दी है, क्या गाड़ी देख के नहीं चला सकती है?
भैया मैं देखकर और आराम से ही चला रही थी, पता नहीं ये ठेला कहाँ से सामने आ गया। तुम अभी लोग ऐसी लगता है ये सड़क तुम्हारी बाप की है। पहले तो आप तमीज से बात करिए, और आपको मुझसे बात करना मुझसे करिए ना, मेरे फैमिली को क्यों बीच में ला रहे हैं। एक तो आपने गरीब का ठेला तोड़ दिया, ऊपर सरकार दिखा रही हो, चुपचाप जो सामान टूटा है उसका पैसा भरो, निकालो पैसा। कुछ भी, कोई नुकसान नहीं हुआ, सही सलामत है, एक भी चीज नहीं टूटी है, और किसका ये ठेला, किसका नुकसान किया मैंने। मैं हूँ, कोई दिक्कत, चल पैसे निकाल। ये क्या जबरदस्ती है, तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, पैसे ऐंठने के तरीके ये सारे, छोड़ो मेरा हाथ। चुपचाप पैसे निकाल वरना। हिम्मत कैसे वहां तक आने की, हीरोइन को बचाने हीरो भी आ गया। हीरोइन खुद को बचा सकती है, किसी की जरूरत नहीं है उन्हें। हाँ लेकिन कभी कभी तुम जैसे लोगों के लिए आना पड़ता है हीरो को। कमाल करते हो सब लोग, खुद यहाँ आ गए, दुल्हन को घर पर छोड़ा। मुझे लगा कि अक्षु आपके साथ है। और मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ आ रही है। आज है कि अक्षु बच्ची थोड़ी ना है, और वैसे भी घर में एक और कार है ना, आ जाएगी। और अभी भी हॉस्पिटल से कब से निकल गया है, पता नहीं कहाँ रह गया वो। दोनों ही नहीं आए हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। साथ में होंगे, प्लान क्या होगा कुछ। लातों के भूतों बातों से नहीं मानोगे। ओके तुम पागल हो गए हो क्या, मुझे इंप्रेस करने के चक्कर में प्लीज हीरो मत बनो। अक्षु हाथ कैसे लगा, क्या हुआ हीरो, हवा निकल गया क्या। अक्षु हाथ छोड़। मैंने हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ाया, अभी भागते हैं यहाँ से। यहाँ पर ताकत का नहीं अकल का इस्तेमाल करो। क्या हुआ हीरो, फाइट नहीं करना है क्या। अक्षु मैं डरता नहीं हूँ इनसे, पर मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं बचाऊंगा तुम्हें। पहले तो मैं बचाऊंगी तुम्हें। चेन कुली की मेन कुली की चेन, भागो। पहले शादी में भाग रहे थे, अब शादी के लिए भाग रहे। उसे तुम जानती हो, डर के भागने वालों में से नहीं हूँ मैं। मैं डर के कहाँ भाग रहे, बस आज के दिन कोई गड़बड़ ना हो इसलिए भाग रहे। लेकिन I hate this running away. तो तुम्हें क्या लगा मुझे इस घाघरे में और हील में भागने को मजा आ रहा है। भागो चुपचाप। वैसे तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इसलिए ओए ओए भागो चुपचाप, बहुत सुंदर लग रही हो। भागो, अरे सुंदरी। अरे किधर छुप गया, बाहर निकल। ए हीरो डर गया क्या, बाहर निकल अभी प्लीज। प्लीज कुछ मत बोलो, उनको बोलने दो ना, हमें मंदिर पहुंचना, हम फैमिली के साथ रहेंगे ना, इन सबकी एक एक करके खबर लेंगे। अभी गुस्सा मत करो प्लीज, समझे। मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो। अक्षु इसीलिए इनकी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। सुनो, प्रॉमिस करो तुम कभी कुछ नहीं होने रोके मुझे। प्रॉमिस। एक और प्रॉमिस करोगे, बोलो। मानोगे? हाँ बोलो। प्रॉमिस करो कि तुम मेरे लहंगे को कुछ नहीं होने दोगे, वो फटना नहीं चाहिए प्लीज। तुम बोले तुम मानोगे, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। हाँ। तुम भी ना नौटंकी नंबर मानो पूरी, अभी तुम्हें अपने लहंगे की पड़ी है, मुंडे बड़े हैं पीछे। ते गया किधर ये लोग, ए पैसा निकाल पैसा। ये रिश्ता क्या कहलाता है।